अक्टूबर में मौसम के बदले मिजाज से लोग हैरान हैं। मॉनसून सीजन 1 जून से 30 जून तक औपचारिक तौर पर तो समापन हो गया है, तो वही शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो चुका है, लेकिन यूपी में गर्मी से निजात नहीं मिल सकी। जबकि आमतौर पर इस वक्त की सुबह और शाम खुशनुमा हो जाती है, बृहस्पतिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोग चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से बेहाल रहे। आईएमडी की माने तो शुक्रवार से उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक नए विकसित हो रहे कम दबाव क्षेत्र के असर से 6 अक्टूबर से अगले 2 से 3 दिन प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिस्सों समेत गोरखपुर, महाराजगंज, खुशीनगर, देवरिया आदि में छिटपुट बूंदाबूंदी होने के संकेत जताए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान पश्चिमी यूपी में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। वहीं आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि इस बार अक्टूबर में न्यूनतम अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र से तटसंध और नीनो स्थितियों के मानसून के बाद धीरे धीरे लानीना परिस्थितियां में बदलने और मानसून वापसी में हुई देरी के असर से पूर्वानुमान है कि इस बार अक्टूबर सामान्य से अधिक गर्म रहेगा। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक बृहस्पतिवार को आगरा का 34.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं आपको हम बता दें इसके साथ ही कि दिल्ली एनसीआर में उमस और गर्मी से एक बार फिर लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। शुक्रवार को 4 अक्टूबर को भी गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल हो सकता है। इन सबके बीच आईएमडी ने 4 से 8 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल समेत 13 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी के माने तो मानसून देश भर के ज्यादातर हिस्सों से विदाई ले चुका है, हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी बारिश और बाढ़ के हालात हैं। तमिलनाडु के वेलोर में भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं असम के गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। वहीं बता दें आपको दिल्ली एनसीआर में 4 से 6 अक्टूबर के बीच हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि आईएमडी ने 5 से 10 अक्टूबर के बीच देश के पूर्वी और मध्य राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी के माने तो 4 अक्टूबर को बिहार, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और तमिलनाडु में बारिश हो सकती है। तो 5 से 8 अक्टूबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आईएमडी ने बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों में हल्की या मध्यम बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो फिलहाल अभी भी दिल्ली वालों को थोड़ी बहुत गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिन के समय चिलचिलाती धूप से उन्हें उमस होगी और जो उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर देगी। लेकिन हालांकि बाद में मौसम ठंडा रहने की संभावना जताई जा रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।